अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ग्रीन मसाला बाइट्स। ये रेसिपी बनाना बहुत आसान है और इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। बीफ 700 ग्राम, धनिया आधी गड्डी, हरी मिर्च 3, प्याज 1 अदद, पुदीना 15 से 16 पत्ते, ऑयल 1 टेबलस्पून, कचरी पाउडर 2 टेबलस्पून या पपीता भी ले सकते हैं, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, बेसन 5 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक हसबे जायका, ज़ीरा 1 टीस्पून, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, काले मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, दही 1 टेबल स्पून। पहले हम चॉपर के अंदर थोड़ा सा कीमा डालेंगे, उसके बाद प्याज, दही, ज़ीरा, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और धनिया, पुदीना और मिर्चों को शामिल करने के बाद उसको अच्छे से पीस लेंगे। कीमे के अंदर चॉपर वाला मिक्सचर, नमक, तेल, बेसन और कचरी पाउडर शामिल करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। इन बाइट्स को हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अगर आप इनको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन ये अंदर से कच्चे रहेंगे। मैंने इनका साइज़ बहुत छोटा रखा था, आप अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट साइज़ रख सकते हैं। मज़ेदार से ग्रीन मसाला बाइट्स तैयार हैं। आप इसको पुदीने की चटनी या फिर पुदीने के रायते के साथ सर्व कर सकते हैं।